नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अवैध शराब से अब तक 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और कुशीनगर में, जबकि उत्तराखंड के रुड़की में अवैध शराब का कारोबार लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। शुक्रवार दोपहर से शुरू हुआ मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी कई लोग दोनों राज्यों के अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। गंभीर हालत में कई मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है। मेरा घर उजड़ गया, मेरी की जोड़ी। हम या दारू बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ से। हम मेले में ये लोग गए थे, उसके बाद घर लौटे, घर पे आए और कच्ची दारू शराब पिए। दारू के वजह से इनके एक्सपायर हुए हैं सर। ये वो अभागे हैं जिन्हें हमारे सिस्टम ने मार डाला। ये लाशें सवाल कर रही हैं कि आखिर कैसे पुलिस और प्रशासन की नाक के तले अवैध शराब के तस्कर अपना काला कारोबार चलाते रहे, कैसे तस्कर अवैध शराब को बाजार में उतारते रहे। ऐसी अवैध शराब जिसने गले से उतरते ही 65 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अवैध शराब दो राज्यों के कई घरों को तबाह कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और सहारनपुर में अवैध शराब से लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड के रुड़की में भी अवैध शराब ने कई लोगों की जान ले ली है। अस्पताल अवैध शराब पीने से मरने वालों के शवों से भरे हैं। बिस्तरों पर अवैध शराब पीने वाले मरीज पड़े हैं जो बच गए शुक्र मना रहे हैं, और बिस्तरों पर पड़े कई मरीज ऐसे भी हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। शुक्रवार दोपहर से शुरू हुआ मौतों का सिलसिला ऐसे चला कि शनिवार तक दोनों राज्यों में हड़कंप मच गया। एक तरफ सरकारें अवैध शराब पर पाबंदी का ढोल पीटती है, लेकिन शराब से होने वाली मौत बता रही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस की नाक के नीचे जहरीली शराब बाजार में बेची जा रही है। लगातार हो रही मौतों से कुशीनगर में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस पर तस्करों से पैसे लेकर अवैध शराब बिकवाने का आरोप लगाया है। कमीशन पर बिकवा दिए सर, अगर माने हम गरीब है, हम दबाव से डर जाएंगे, और जो 500 देगा उतना ही डरेगा पुलिस है, इसलिए हम पुलिस को हम विश्वास देते हैं। बड़ा जो बड़ा अफसर आएगा तो खुद ये छोटा अफसर फोन कर देगा, सर ये दारू बंद कर दीजिए, अफसर आ रहे हैं सर। ये हम लोग के सामने का गुजरा हुआ है, हम लोग के गाँव का, हम लोग की हकीकत हम जान रहे हैं सर। हमारा घर तो हम बोरियड है, पश्चिम पट्टी पकड़ लिया, वहीं से बनाते हैं, बना कर ला कर हम लोगों के गांव में बेचते हैं। आई लोग खरीद कर लेकर पी लेते हैं, बराबर खरीदते हैं पीते हैं। पुलिस वहां कहां रोकती है? अच्छा, आप पुलिस से भी शिकायत की आपने पहले भी? हाँ जी, बहुत करी हमने शिकायत, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप ये भी है कि पुलिस ने मामले को दबाने के लिए शुरू में 4 शवों का बिना पोस्टमार्टम किए ही अंतिम संस्कार भी करा लिया। मामला कुशीनगर के तरिया थाना क्षेत्र के जवही दयाल के चैन पट्टी और बेदुपार गांव का है। कुशीनगर में अभी भी जहरीली शराब पीने वाले कई लोगों का इलाज चल रहा है। हमारे पास जब लाए गए हैं एम्बुलेंस के थ्रू, तो कोई लाइव इनका मतलब साइन नहीं था, रेस्पिरेशन नहीं था, कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी, एंड मतलब सारे डेथ के साइंस प्रेजेंट हैं, एंड ही इज ब्रॉट डेथ। जिलाधिकारी ने बताया कि इस मामले में आबकारी के दरोगा सहित 4 लोगों को निलंबित किया गया, और पुलिस की लापरवाही पर तरिया सुजान के थाना अध्यक्ष विनय पाठक सहित 4 लोगों को निलंबित किया गया है। इस प्रकरण की जांच हो रही है, और इसमें जो क्षेत्रीय लोग जो जिनका प्रथम दृष्टा जिम्मेदारी अनुभव किया गया है, उन पर सख्त कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
इसमें आबकारी निरीक्षक तथा आबकारी सिपाही सब निलंबित हो चुके हैं। कुशीनगर जैसे हालात सहारनपुर में भी बने। सहारनपुर के चार थाना क्षेत्रों के कई गांव में लोगों ने जहरीली शराब पी। शुक्रवार दोपहर से ही यहां भी लोगों की मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार हो रही मौतों से कई गांव में कोहराम मच गया। सहारनपुर के जिला अस्पताल में जहरीली शराब पीने वालों का इलाज चल रहा है। सहारनपुर के पड़ोस में उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में भी जहरीली शराब मातम की वजह बन गई। जो शराब जहरीली परोसी गई उसको लेकर संशय है कि वो उत्तराखंड के किसी गांव में बनी या यूपी के किसी गांव में बनी, और इसलिए उस पर एक कमेटी बना दी गई है, संयुक्त कमेटी योगी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की और मेरी बातचीत हुई, उस पर एक ज्वाइंट कमेटी बनाने का हमने निर्णय लिया है ताकि जो असलियत है वो सामने आ जाए। उत्तराखंड सरकार के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती बरती है। योगी ने पीड़ितों के इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इलाज कर रहे मरीजों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। सरकार की जानकारी में है और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और अब उत्तर प्रदेश में ऐसे कदम उठाए गए हैं कि शराब अगर कोई गलत तरीके से बिक्री करेगा उसमें किसी को नुकसान होगा तो कठोरतम कार्रवाई होगी, वो हो रही है। योगी ने सहारनपुर और कुशीनगर के आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने का आदेश भी जारी किया है। यूपी के सहारनपुर से जुड़ रहे हमारे सहयोगी अमित सिंह, सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, हम रिपोर्ट देख रहे थे, बेहद दुखद स्थिति है, 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले आपसे हम ताजा स्थिति समझना चाहेंगे, कितने लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहारनपुर के उमाही गांव में, और इस गांव में अब तक 15 मौतें हो चुकी हैं, जहरीली शराब पीने की वजह से मौतें हुई हैं। और जिस घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पिंटू का घर है, आरोपी बताया जा रहा है। पिंटू समेत उसके परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने की वजह से, और पुलिस सहारनपुर पुलिस ने जो आरोप लगाया है कि पिंटू ही कच्ची शराब लेकर उत्तराखंड से के एक गाँव से लेकर आता था और उसी को पीने से यहाँ पर मौतें हुई हैं। आपको मैं यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, आप देखिए किसी तस्वीरें, जो पिंटू की जो पत्नी है, आप देख सकते हैं किस तरीके का आलम है यहाँ पर। जिस परिवार में अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, काफी नाजुक स्थिति में है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं, तस्वीरों में ही देख कर अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या स्थिति है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जितेंद्र, इस परिवार का इकलौता सदस्य जितेंद्र है, और इनसे हम सीधे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आरोप है, ये जितेंद्र, कच्ची शराब आपके घर में बिकती थी? हाँ, जो 2-4 साल से मेरे भाई कैंसर का बीमार था मेरा भाई उस समय से, और 2 साल के करीब फिर मेरे भाई के यानी दिमाग में आई कि मेरा भाई कुछ कर नहीं सका था, मेरे भाई के पेट का ऑपरेशन हो गया था, ना कोई मजदूरी ना कुछ कर सका था वो, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं शराब बेच लूँ। अपना छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी पत्नी है, इनका गुजारा, इनका परिवार चले। ये बताइए, पुलिस ने जिस तरीके से बोला है कि आपके भाई उत्तराखंड जाते थे और उत्तराखंड के किसी गांव से वो कच्ची शराब लाकर बेचते थे और उसकी वजह से ही मौतें हुई, क्या कहना है इस पर आपका? ये सब झूठ है, पुलिस प्रशासन सब झूठ बोल रही है। शराब कहाँ से आता था? शराब ये यहाँ पे हमारे सरदारा का डेरा पड़ता है और पुंडेन गाँव है, ये शराब वहाँ से आती थी और इधर से आती थी और वह सप्लाई इधर करते थे। मेरा भाई कहीं पे जा नहीं सकता था क्योंकि वो खुद एक कैंसर के बीमार थे, उन पे तो चल तो पिंटू को बीमार था ये कहना है इनका। मैं जो पिंटू की पत्नी है, मैं इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से पुलिस आरोप लगा रही है कि आपके पति जाते थे उत्तराखंड के किसी गाँव में, वहाँ से कच्ची शराब लेकर आते, क्या कहना है इस पर आपका? जी, उन्होंने मुझे पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा, मुझे पता नहीं। नहीं, आपके पति कहीं जाते थे? उत्तराखंड ने मेरे पति, मेरे आदमी जी घर रहते कैंसर के बीमार थे, में लेटरिन का रास्ता उनका कोक मकूता अंकू सारे उनके फोटो फाटू ले गए खींच कर। कच्ची शराब वो कहाँ से आती थी? शराब जो बेचते थे से आती थी। कौन लेकर आता था? जी, मैं सरदार के लड़के ही दे कर गए थे, खुद दे कर गए थे मैं हमारे घर पर जी, उस पर जाया नहीं जाता ना, तो वो जाओ घर ही बैठा रहता, खुद भी पी उन्होंने शुरू में, तो खुद ही पी उन्होंने दारू, एक और था मुसलमान का।
उनकी साथ। तो आप, आपके पति कब से ये काम कर रहे थे जो शराब? तीन साल से मेरे पति ये काम कर रहे है। जी सही बीमार थे, जी सही काम कर रहे हैं। पुलिस ने कभी यहाँ पुलिस नहीं आई, कभी रोका नहीं कि आप ये गैर कानूनी? देते हैं पैसे, दे देते हैं उन्हें। तो हम किसको पैसे देते हैं आप? पुलिस वालों को जी, हफ्ते के पुलिस वाले आते हैं 5000 रुपए ले जाते हैं। कहना उन्हें पता जो मर गए सच्चाई का, लोगों को सारी डिटेल आदमी देते नहीं, खुद मारा आदमी सारी सच्चाई नहीं पता। जितना मुझे पता घर के बारे में जितना मैंने बता दिया खुद। और आपके घर के और कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं जी? कितने लोग भर्ती हैं? 5 देखो, 1 2 3 4 3 तो आने वाले ही हो रहे हैं, 2 एक तो आ लिया, 2 आने वाले हो रहे हैं हमारे तो ये खाए। 3 तो मेरे, 5 मर गए, पितासरे गए, 3 तो मेरे पितासरे, ठीक, मेरा ससुरा भी, मेरा देवर भी, मेरा आदमी भी, और मेरा देवर एक अस्पताल में, पितासरे का लड़का अस्पताल में, उसकी भी तबीयत ऐसी खराब सी हो रही, किस का सांस ले रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि किस तरीके से गम का आलम है यहाँ पर, और आप अंदाजा भी लगा सकते हैं जिस परिवार में 5 मौतें हुई हैं और कई लोग अभी इसी परिवार के अस्पताल में भर्ती हैं, नाजुक स्थिति है उनकी। और इनका साफ साफ ये कहना है कि ये कभी जाकर उत्तराखंड के किसी गांव से जो आरोपी है पिंटू, वो कभी जाकर वो कच्ची शराब नहीं लेकर आता था, बल्कि उसके पास यहाँ पर कोई लेकर आता था और उसे देता था, उसके बाद वो बेचता था, और पिछले 3 सालों से ये वो काम कर रहा है। जो इन्होंने जानकारी दी है, आप पीड़ित परिवार से लगातार बातचीत कर रहे थे, पुलिस की मिलीभगत भी इसमें सामने आई है, पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अवैध शराब का कारोबार चल रहा था तो बिना पुलिस की मिलीभगत के ये कैसे संभव है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इन्होंने साफ साफ कहा कि पिछले 3 सालों से ये अवैध शराब बेचने का काम कर रहे थे, बीमार से पीड़ित थे, बीमार थे और इसी वजह से वो ये काम कर रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि पिछले 3 सालों से इस गांव में कच्ची शराब बेची जा रही थी और बिना पुलिस के मिलीभगत से ये काम नहीं हो सकते थे। मेरे साथ जितेंद्र यहाँ पर है, इनसे हम और बात करते हैं। ये बताइए कौन सा पुलिस वाले यहाँ पहुँचते थे, जिस तरीके से आपकी भाभी ने बताया यहाँ पर कौन से पुलिस वाले आते थे? वाले यहाँ नगल थाना लगता है, नगल थाना भी है, सिडकी जो चौकी है यहाँ से आते थे और मेरे भाई से पैसे ले जाते थे। मैं इसमें कोई और आदमी भी था बीच में, गांव का ही था। तो आप सुन सकते हैं इनके साफ साफ जुबानी की ये पूरी मिलीभगत से होती थी, पुलिस के मिलीभगत से होती थी ये पूरा मामला, और इस वजह से अगर शायद पुलिस पहले ही इस पर नकेल कसती तो आज इतनी मौतें यहाँ पर नहीं होती। बिल्कुल अमित, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं क्योंकि ज्वाइंट कमेटी बनाने का ऐलान भी किया गया है, लेकिन हादसा होने के बाद ही पुलिस जागती है, प्रशासन जागता है। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।